गुरु संकेश्वर पार्षनाथ भगवान की जय हो। बोलो शांति गुरुदेव की जय हो। बोलो लता गुरुदेव की जय हो। हेलो, आठ बज चुके हैं, समय भक्ति का कार्यक्रम चालू करने का। अहिंसा क्रांति पेज पर मैं कोचर परिवार की तरफ से दिनेश कोचर, विकास कोचर और प्रेक्षा कोचर के साथ इस भक्ति संध्या को मैं शुरू कर रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया सभी जुड़ जाए, कमेंट करके आगे। लाइव भक्ति चालू हो रही है, एक बार जोरदार जयकारा, बोलो संकेश्वर पार्षनाथ भगवान की जय हो। वाच पार्टी तो हम भक्ति संध्या चालू करेंगे। एक बार पार्षनाथ भगवान की धुन बड़ी प्यारी है, अब हम चालू करेंगे पार्षनाथ भगवान की धुन से। पार्षनाथ ने नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः। पार्षनाथ ने नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः। शांति गुरु ने नमो नमः, दादा गुरु ने नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम 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 नमो नमः। पार्श्वनाथ ने नमो नमः, संकेश्वर ने नमो नमः, दादा गुरु ने नमो नमः, दादा गुरु ने नमो नमः, सिद्धगिरि ने नमो नमः, हिमलाचल ने नमो नमः, सिद्धगिरि ने नमो नमः, हिमलाचल ने नमो नमः, आदिनाथ ने नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने, आदिनाथ ने नमो नमः, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो आदिनाथ ने, वंदन हो आदिनाथ ने, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः, पार्श्वनाथ ने नमो नमः, संकेश्वर ने नमो नमः, ओम ब्रह्म हरिहम नमो नमः, संकेश्वर ने नमो नमः, दादा गुरु ने नमो नमः, शांति गुरु ने नमो नमः, ओ संकेश्वर नमस्कार। महामंत्र से शुरुआत करेंगे।
और मैं अहिंसा क्रांति पेज समाचार पेज को मुकेश जी नाहर श्रद्धा जी नाहर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, तहे दिल से साधुवाद, जिन्होंने हमको ये भक्ति का अवसर सुअवसर दिया। उन परिवार को बहुत बहुत मैं साधुवाद और हर्ष व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नमस्कार मंत्र से हम इस भक्ति संध्या को शुरुआत करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली जैने धर्मोस्तु मंगलम जैने धर्मोस्तु अंगूठे अमृत वसे लब्धित ना भंडा श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता मन वांछित फलदाता। कि दादा से हम क्या कहेंगे कि ओ दादा जिंदगी में आपसे एक मुलाकात हो, जिंदगी में आपसे एक मुलाकात हो, सामने बैठे आप हो और सामने बैठे आप हो और दिल की हर बात हो, सामने बैठे आप हो और दिल की हर बात हो। रुक जाए फिर वक्त वहीं, रुक जाए फिर वक्त वहीं, फिर ना दिन हो ना रात हो। ऐसी ही भक्ति हमको करनी है, ना दिन देखनी है ना रात देखनी है ना समय देखना है, आज हमको दिल से दिल जोड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना है। आइए नमस्कार महामंत्र के साथ जो भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है, सभी को जय दिनेंद्र, सभी को जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सब बहुत लोग जुड़ चुके हैं, आइए सभी लोगों को ये भक्ति का लिंक शेयर कीजिए आप, ताकि बहुत सारे लोग इस भक्ति से और प्रभु से जुड़ सके। आइए नमस्कार महामंत्र के द्वारा शुरू करते हैं। नवग्रह रहते उनके पक्ष में हो, नवग्रह रहते उनके पक्ष में जो जप ले नवकार नवकार महामंत नवकार 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 महामंत नवकार नवकार रहते उनके पक्ष में जो जप ले नवकार 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 महामंत्र नवकार 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 महामंत्र नवकार नवग्रह रहते उनके पक्ष में ओ नवग्रह रहते उनके पक्ष में जो जप ले नवकार 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 संत हो गए हो, कई तो ने जो पातो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए
नवग्रह में सूरज भी आते हैं, तो एक भक्त ने सूरज को ललकार दिया कि हे सूरज तू इतना घमंड मत कर, कि हे सूरज तू इतना घमंड मत कर, यहाँ भी एक सूरज बैठा है, यहाँ हमारे सामने हमारे दिल के दरवाजे पे एक सूरज बैठा है, कि हे सूरज तू इतना घमंड मत कर, यहाँ भी एक सूरज बैठा है, अगर तू आग का गोला है, अगर तू आग का गोला है तो ये हमारे पार्श्वनाथ दादा दिल का भोला है, तो हमारे पार्श्वनाथ दादा दिल का भोला है। ओ आचार्यों के आचारों पर आचरण करो, उपाध्याय से आत्म शिक्षा ग्रहण करो, आचार्यों के आचारों पर आचरण करो, नमो अरिहंतानाम, नमो वृत्तायनम, नमो आयर्यानम, नमो वधायानम, नमो लोपे सब सावनम, नमो लाए सब सावनम, ऐसो पंच नमस्कारो सब पाप पराशिनो, अगला निच्च सवेशिन परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, नमो 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 पंच परमेशी ने, नमो 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 पंच परमेशी ने, नमो नमकार महामंगला बेकार, नमकार सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लोगों का जय जिनेंद्र आ रहा है और सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा है, बाकी सब लोग भी जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उनका उनसे निवेदन है एक बार कमेंट करके हाजिरी लगवा दीजिए कि आप भी यहाँ दादा के सब बराबर है क्या, आवाज बराबर आ रही है आप लोगों तक, इसका भी हमें एक बार साउंड और वीडियो भी क्लियर है क्या, एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिए। आइए भक्ति को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले भजन की ओर आगे बढ़ेंगे, कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, अगर हम चंदना की तरह आवाज निकालेंगे, चंदना की तरह हम अगर तपस्या करेंगे तो जरूर हमारे घर में आज दादा आएंगे, तो इसी आशा के साथ हम अगले भजन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट यूं ही आते रहे, आप हमारे साथ अंत तक इस भक्ति में जुड़े रहे, बस यही मंगल कामना। अरिहंत भगवन् अरहं जिनेश्वरम्, अरिहंत भगवन् अरहं जिनेश्वरम्, जगवान् कल्याण जगन्नाथ तीर्थं करम्,
तो क्या कहते हैं कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, के दादा
ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बिन तेरे ओ दादा ये जिंदगी भी उदास लगती है, हम ये जिंदगी भी उदास लगती है। हम बस वहां बैठे आज जो प्रत्यक्ष बैठे हैं सिमंदर स्वामी जो महाविद्या क्षेत्र में बैठे हैं, उनसे यही आरजू करेंगे कि दो पंख दिए होते तो उड़ आता तेरे द्वार, जैसे वो साधवी जी गए थे सिमंदर भगवान के पास, वैसे ही हमको भी ऐसे हम अच्छे पुण्य करें कि हमें भी जल्दी से जल्दी अगला भाव सिमंदर भगवान के पास मिले और 8 वर्ष की दीक्षा, 8 वर्ष में हम दीक्षा लेकर उस मुक्ति गति को पाए, ऐसी भक्ति इसी भावना के साथ हम सिमंदर स्वामी का एक प्यारा सा भजन गाएं। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की जय हो। ओ संयम लेके केवल पाके, ओ संयम लेके केवल पाके, मोक्षम को जाना है श्रीमंदर स्वामी के। तो भक्ति ही ऐसा एक मार्ग है जो प्रभु से हमारी डायरेक्ट मतलब हॉटलाइन जैसा ये माध्यम ये जरिया है कि भक्ति के सहयोग से ही हम प्रभु से हम अपना तार डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और सिमंदर स्वामी परमात्मा तक पहुंच के मोक्ष जा सकते हैं पंचम काल में। ओ संयम लेके केवल पाके, संयम लेके केवल पाके, मोक्षम को जाना है सिमंदर स्वामी के पास में जाना है। ओ संयम लेके केवल पाके, बोलो संयम लेके केवल पाके, मोक्षम को जाना है सिमंदर स्वामी के पास में जाना है। ओ संयम लेके केवल पाके, बोलो संयम लेके केवल पाके, मोक्षम को जाना है। किस किस को जाना है मोक्ष, किस किस को जाना है मोक्ष, उस मोक्ष गति में किस किस को जाना है? हाँ तो सभी लोग वहां बैठे बैठे आएंगे। मोक्षम को जाना है, मोक्षम को जाना है, चौरासी लाख योनि में अनंत काल से भटको, चौरासी लाख योनि में अनंत काल से भटको, चारों गति में मेरे प्रभु सुख अपार मैं पाऊं, चारों गति में मेरे प्रभु दुख अपार मैं पाऊं। पुण्य उदय से जय धरम,
ऐसी जय धरम इस भव में मैंने पाया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सुरेश जी चोपड़ा यश जी जय आप सभी का हमारे भक्ति में स्वागत है ये देखो 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 कितना प्यारा अद्भुत आज नजारा है देखो देखो कितना प्यारा अद्भुत आज नजारा है ऐसा लगता आज यहाँ धरती पे स्वर्ग उतारा है ऐसा लगता आज यहाँ धरती पे स्वर्ग उतारा है क्या कितने सुंदर आज लगे मेरे ओ ओ कितने सुंदर आज लगे मेरे दादा पारसनाथ है वाह वाह क्या बात 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 है ओ भक्ति की रात है दादा का साथ है ओ भक्ति की रात है दादा का साथ है ओ भक्ति की रात है दादा का साथ है ओ भक्ति की रात है दादा का साथ है बड़ी सुहानी प्यारी प्यारी है ओ गुरु की मूरत बड़ी सुहानी लगती प्यारी प्यारी है एक बार से दिल नहीं मरता देखो बारी बारी है ओ एक बार से दिल नहीं मरता देखो बारी बारी है एक बार से दिल नहीं मरता देखो बारी बारी है ओ एक बार से दिल नहीं मरता देखो बारी बारी देखो बारी बारी में और मेरे दादा कैसे हैं कि नैनों से करुणा झलकाते ओ, 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 ओ
को दिखा, इस दादा के चेहरे पे मुस्कान सभी को दिखता है कि नहीं? दिखता है तो जरूर कमेंट करिएगा कि, और सबको कहना है क्या कि बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, ओ बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, ओ बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, ओ भक्ति की रात है, दादा का साथ है, भक्ति की रात है, दादा का साथ है, है क्या दादा की शान है, सारी दुनिया जान गई है क्या दादा की शान है, सारी दुनिया जान गई है क्या दादा की शान है, सारी दुनिया जान गई है क्या दादा की शान है, इनके चरण की धूल भी लगती सोने की एक थान है, इनके चरण की धूल भी लगती सोने की एक थान है, इनके चरण की सोने की एक थान है, और इनके चरण की धूल भी लगती सोने की एक थान है, क्या कहा कि सारी दुनिया जान गई है क्या दादा की शान है, सभी लोग जान गए हैं कि मास्क मोमबत्ती पहनने का क्या उपयोग है। आज जैन धर्म में जो बहुत कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा है वो आज हम प्रत्यक्ष पालन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आज हम जो पालन कर रहे हैं वो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है, जो जीव दया का पालन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है सबसे महान है उसका आज पालन, आज उस वेजिटेरियन के लिए पूरी दुनिया तरस रही है कि सारी दुनिया जान गई है क्या दादा की शान है, इनके चरण की धूल भी लगती सोने की एक खान है, धूल तेरे चरणों की प्रभुवर, धूल तेरे चरणों की प्रभुवर सोना बन गई, धूल तेरे चरणों की प्रभुवर सोना बन गई, जिसने लगाए अपने मस्तक पर, जिसने भी लगाया अपने मस्तक पर उसकी तकदीर बन गई, उसकी तकदीर बन गई, तो यहाँ शहनशाह शीश झुकाते हो, यहाँ शहनशाह शीश झुकाते तो अपनी क्या औकात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, दादा का साथ है, भक्ति की रात है, दादा का साथ है, वो कितने सुंदर राज सजे हैं, ओ वो कितने सुंदर राज सजे हैं, दादा पारस रात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, जय पारस 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 संखेश्वर वाले पारस, 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 जय पारस 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 जीरा वाला के पारस, जय पारस 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 जीरा वाला के पारस, जय पारस 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 संखेश्वर वाले पारस, जय पारस 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 जीरा वाला के पारस, ओ संखेश्वर के कण कण बोले जय पारस दादा, ओ संखेश्वर का कण कण बोले जय पारस दादा, बोले जय पारस दादा, संकेश्वर का कण कण बोले जय पारस दादा, ओ ऊंची ऊंची शिखरे बोले जय पारस दादा, ऊंची ऊंची शिखरे बोले जय पारस दादा, ओ जय पारस दादा, जय पारस दादा, जय पारस दादा, जय पारस दादा, ओ जय पारस दादा, जय पारस दादा, जय
का पेज है, सुना है बहुत सारे राजस्थानी लोग इसमें जुड़े हैं, तो एक दो लाइन राजस्थान का मैं लेना चाहूंगा। किथे भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा, क्या कहा? किथे भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा। कि दादा को कहना है कि आओ एक बार मेरे घर, तो सोच समझ के आना, क्योंकि एक बार आ गए तो फिर हम जाने नहीं देंगे, और आएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे दादा, आएंगे तो कैसे मनुहार करेंगे, कैसे मनुहार करेंगे दादा को, कि दाल बाटी चूरमा ते खालो मारे गावरा, दाल बाटी चूरमा ते खालो मारे गावरा, मैं भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा, मैं भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा, दाल बाटी चूरमा ते खालो मारे गावरा, दाल बाटी चूरमा ते खालो मारे गावरा। कि दादा आएंगे तो क्या खिलाएंगे, एक भक्त उसकी शब्दों में कितना जान है, कितने प्यार से वो दादा को रिझाता है, क्या कहता है? के मारे गावरो हलवाई रो नाम जग में मोटो जी, मारे गावरो हलवाई रो नाम जग में मोटो जी, कि जोधपुर रो हलवाई रो नाम जग में मोटो जी, राजस्थान रो हलवाई रो नाम जग में मोटो जी, कि बड़े जोर को खूटे हो तो बाजरे को रोटो जी, बड़े जोर से फूटे हो तो बाजरे को रोटो जी। सबको मजा आ रहा है लगता है, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं कि राजस्थान और राजस्थान वाले अगर मिलते हैं और ऐसा गाना मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। कि बड़े जोर को खूटे हो तो बाजरे को रोटो जी, शक्कर बीकानेर की या गुड़ हो आबू शहर की, शक्कर बीकानेर की और गुड़ हो आबू शहर की, दाल बाटी चूरमा के खालो मारे गावरा, दाल बाटी चूरमा के खालो मारे गावरा, ओ मैं भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा, मैं भी राजस्थान रा और मैं भी राजस्थान रा, के दाल बाटी चूरमा ते खालो मारे गावरा। दादा एक बार आ जा तो आजा हमारे घर, छप्पन भोग तैयार है, दाल बाटी चूरमा तैयार है, बस आपके आने की देरी है। तो दादा आएंगे तो कैसी तैयारी करेंगे हम लोग, सजाएंगे कैसे दरबार को? सिर्फ दाल बाटी चूरमा खिलाने से तो काम नहीं होगा, घर को मंदिर जैसा सुंदर और पवित्र बनाना होगा। तो कहते हैं कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार गंगा, कहा गई प्रेम की गंगा,
फरमाइश के गाने हैं, खुद के एक भी गाने नहीं है, सिर्फ एक गाना सिमंदर स्वामी के हमने लिया, बाकी सब एक एक जन का जो फरमाइश है, जिन्होंने हमको फोन करके बोला कि नहीं ये गाना हमारे तरफ से ले लेना, बस उसी उन्हीं की इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमने आज की पूरी भक्ति के गाने लगाए। एक जन ने ये भी कहा था कि माँ के ऊपर भी आप भजन गाना और माँ की ममता के ऊपर भी एक स्तवन लेना, तो हम उसके लिए भी आए, माँ के ऊपर भी एक स्तवन लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वो भी सुनने को मिलेगा, बिल्कुल नया भजन है और आप सबको सुनने में मजा आएगा। तो क्या कहते हैं,
कि सारे जगत को देने वाले, कि सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, कि घर तो आ गए दादा लेकिन अब मेरी सुध बुध खो गई है। घर आने के बाद हम इतने पागल हो गए, उनके आने के बाद इतने हम व्यस्त थे और उनके आने में इतनी खुशी थी हमारे में कि अब हमको क्या करना मालूम नहीं चल रहा है, हमारा दिल दीवाना हो गया है कि सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, कि जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। अब दादा तो आ गए, अब फूल चढ़ाने में क्या हर्ज है, जिसके नाम से ही खुशबू आते हैं उनके चरणों में हम क्या फूल चढ़ाएं, लेकिन एक फूल चढ़ाकर हम दादा को रिझाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे दिल की हाल को सुनाते हैं हमारे साथ मेरे पिताश्री दिनेश जी को। चल दीवाना है। तो आइए दीवाने बनकर उस दादा को मनाना है, उस दादा को रिझाना है।
हमारे दादा है
ये हमारा दादा है, ये हमको अभिमान है। तो हम सीना तान कर कहते हैं हम हो गए पारस दादा के, हम सीना तान कर कहते हैं हम हो गए पारस दादा के। मुझे कहने में संकोच नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं, वो हमें संकोच नहीं, हमें कहने में संकोच नहीं, मेरा दादा कोई और नहीं, मेरा दादा कोई और नहीं, वो मुझे कहने में संकोच नहीं, वो मुझे कहने में संकोच नहीं, वो मेरा दादा कोई और नहीं, मेरा दादा नहीं। और हम शीश झुका कर कहते हैं, हम शीश झुका कर कहते हैं, हम हो गए शंखेश्वर वाले के, हम हो गए शंखेश्वर वाले के, हम शीश झुका कर कहते हैं, हम शीश झुका कर कहते हैं, ओ हम ढोल पीट कर कहते हैं, हम ढोल पीट कर कहते हैं, हम हो गए माडोली वाले, हम हो गए माडोली वाले, ओ हम हो गए माडोली वाले, हम हो गए माडोली वाले, हम हो गए भैरोली वाले, हम हो किया है दादा, बस आपकी कृपा ऐसे ही हमारे साथ बरसती रहे, हमारे ऊपर बरसती रहे, हम सब भक्तों के ऊपर ऐसी आपकी कृपा अगर बरसती रहे तो हम इस भव में नहीं अगले भव में जरूर आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके हाथ पकड़ के आपके रथ आपके राह को पकड़कर हम आप तक पहुंच जाएंगे। बस यही भावना के साथ आइए भक्ति में आगे बढ़ते हैं। पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे, पलके ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे दादा घर आएंगे, पलके ही पलके हम बिछाएंगे घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, तोरण बनाई रे कानिया भी जलाया, वो तोरण बनाई रे कानिया भी जलाया, खुशबू ही खुशबू हम बनाएंगे जिस दिन मेरे दादा घर आएंगे, जय हो सदगे की खुशबू हम लुटाएंगे जिस दिन मेरे दादा घर आएंगे। अगर जब दादा आपके घर आएंगे, अगर आप घर को इतना ही सुंदर सजाओगे मंदिर जैसा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जय दादा की जय गुरुवर की कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए बताइए। पलके ही पलके हम बिछाएंगे
चेला बना हूं तो हमारा क्या है, वारे ही न्यारे हैं। क्या बोलते हैं, वारो न्यारो मारवाड़ी में, कि हमारे वारो न्यारो हो गए हैं, न्यारे न्यारे हो गए। जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, ये तो बस उड़ती जाए, ये तो बस उड़ती जाए, ये हवा का सीजन है, हवा बहुत आ रहे है यहाँ पे बेंगलोर में, तो यहाँ पे हम लोग पतंग उड़ाते, तो ये गाना जरूर याद आता है कि जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, ये तो बस उड़ती जाए, ये तो बस उड़ती जाए, उड़ती बस उड़ती जाए, उड़ती बस उड़ती जाए, संखेश्वर की ओर, जब से हाँ जब से हाँ जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, जब से पकड़ी आपने मेरे पतंग की डोर, सुन संदेशा दाता का महफूज यहाँ पे सजा है रे, सुन संदेशा दाता महफिल यहाँ पे सजाया है, आजा पड़ेगा तुमको दादा भक्तों को दर्शाना है, आना पड़ेगा तुमको दादा भक्तों को दर्शाना है। क्या कहा, आना पड़ेगा आपको
एक बार तो आपको दर्शन दिखाना पड़ेगा, जैसे आपने हर बार भक्त की पुकार सुनकर दादा को आपने दर्शन दिए हैं, तो हम जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तो हम तब तक हम क्या करेंगे, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो दादा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो दादा मरते दम तक मरते दम नहीं अब जन्म तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं साथ सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का, सबको मंजिल का शौक है पर मुझे सही रास्ते का। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों का साथ रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अरे वाह वाह, अगर सच्चे लोगों और अच्छे भक्तों का आप जैसे भक्तों का साथ है तो बुरा वक्त आ सकता है कभी नहीं। के बिन पैसे दुनिया में कोई सम्मान ना करे, बिन पैसे दुनिया में कोई सम्मान ना करे, तेरी दया बिन दाता पैसा काम ना करे, लाओगे अगर पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा ही सब कुछ है तो आगे सुनिएगा, सोने के बिस्तर है लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, सोने के बिस्तर है लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, सोने के बिस्तर है लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, सोने के बिस्तर है लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, खाने को भोजन है लेकिन भूख कहाँ से लाओगे, खाने को भोजन है लेकिन भूख कहाँ से लाओगे। सच्ची बात है ना, जो हमारी बात सुन रहे हैं 207 लोग करीब सुन रहे हैं तो उनको सच लगता है तो एक बार कमेंट जरूर करिए कि सोने के बिस्तर है लेकिन नींद कहाँ से लाओगे, खाने को भोजन है लेकिन भूख कहाँ से लाओगे। जब पैसा सब कुछ नहीं है तो ऐसी दौलत पर फिर अभिमान क्यों करे, ऐसी दौलत पर फिर अभिमान क्यों करे, तेरी दया बिन दाता पैसा काम ना करे, तेरी दया बिन दाता पैसा काम ना करे, क्या कहा
कि मन की मुरादें पूरी बिन मांगे ही हो जाते हैं, कि मन की मुरादें पूरी इस दरबार में बिन मांगे ही हो जाते हैं। जो आते हैं इस दरबार में, जो आते हैं इस दरबार में बेड़ा पार हो जाते हैं, जो आते हैं इस दरबार में बेड़ा पार हो जाते हैं। कि हम गाए ये महिमा, हम गाते हैं ये महिमा, आप भी गाके देख लो। हम गाते हैं ये महिमा, आप भी गाके देख लो। आ जाएंगे दादा एक बार बुला के देख लो, आ जाएंगे दादा एक बार बुला के देख लो। तो सभी लोग तैयार है ना? सभी लोग अगर तैयार है तो एक बार कमेंट कर दीजिए तैयार है। हाँ, तो पता लगेगा कि 200 लोग भी आज तैयार है दादा को बुलाने के लिए। आज दिल से सब लोग जो जो दादा को बुलाना चाहता है एक बार तैयार हो लिख दीजिए कि सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। आने वाले हैं, आने वाले हैं। क्यों देर हो रही है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सच धज के आएंगे दादा। हाँ, कि पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। याद करते हैं उस नेमिनाथ दादा की बारात को, जब नेमिनाथ दादा ने सच धज के राजुल के गांव जा रहे थे। उस बारात में हम लोग को भी शामिल होना है और कहना है कि सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। सब हो जाओ तैयार, वो आने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे जाए उनको, लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे जाए उनको। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बोल शांति गुरुदेव की जय हो, बोल दादा गुरुदेव की जय हो, बोल डंडे वाले राजेंद्र गुरुदेव की जय हो। के लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे जाए उनको, लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे जाए उनको, लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे जाए बाराती। हाँ, कि हम सब लोग बाराती बनने वाले हैं ना। हाँ, जिसको जिसको आज बाराती बनना है। हाँ, तैयार है एक बार लिख दीजिए। हाँ, कमेंट में आ जाने दो तैयार है। कि हम बाराती दादा दुल्हा बनने वाले हैं। श्रद्धा जी नहार भी कमेंट कर रही है, मैं देख रहा हूँ जब से बहुत टाइम से। वो हाँ, भी एक बार लिख दे कि हम भी तैयार है। क्रांति अहिंसा क्रांति पेज वाले भी तैयार है, तो सब आ जाएंगे टीम। हाँ, कि हम बाराती दादा दुल्हा बनने वाले हैं। हम बाराती दादा दुल्हा बनने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। ओ पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। सब हो जाओ तैयार, ओ आने वाले हैं। सो जाओ तैयार, ओ आने वाले हैं। पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। ओ पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। ओ पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। ओ पगड़ी बांध रहे हैं, रथ पे चढ़ने वाले हैं। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा आज जाने आलो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा आज जाने आलो है। मानो तो निभा लो है, भक्ति की है रात। क्या गुरु सातम की रात, सातम है। हाँ, सातम गुरुवार का, गुरु का भी दिन है। ओ गुरु सातम की रात दादा आज ताने आलो है। गुरु सातम की रात, गुरु सातम की रात दादा आज ताने आलो है। निभालो तो निभालो है, गुरु सातम की रात। भक्ति की है रात दादा आज ताने आलो है। भक्ति की
खुशी है राम। कौन है जिसने हमको दी पहचान है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। कौन है जिसने हमको दी पहचान है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। पूरा करता हर भक्तों के जो ख्वाब है, पूरा करता हर भक्तों के वो ख्वाब है। मेरा नाथ है, मेरा नाथ है, ओ मेरा दादा है, वो सबका दादा है। ओ कौन है जिसने पहचान है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। उंगली पर चलता ये संसार है, ओ जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है। वो मेरा दादा है, वो सबका दादा है, वो सबका दादा है, वो सबका दादा है। कौन है जिसने हमको दी पहचान है, सबसे लाजवाब है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। तो पंख दिए होते तो उड़ाता तेरे द्वार, दो पंख दिए होते तो उड़ाता तेरे द्वार, दो पंख दिए होते तो उड़ाता तेरे द्वार, होते तो उड़ाता तेरे द्वार। प्रभु तेरी मुरतिया ने, प्रभु तेरी मुरतिया ने मुझे घायल कर दिया ना, प्रभु तेरी मुरतिया ने मुझे घायल कर दिया ना। दो पंख दिए हो पैदल, दो पंख दिए होते तो उड़ाता तेरे द्वार, दो पंख दिए होते तो उड़ाता तेरे द्वार। बाबू वाले दादा, कि प्रेम का धागा वो तुमसे बांधा टूटे ना, ये पगला है, ये दिल पगला है, समझाने से समझे ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। प्रेम कथा का तुमसे बाटा, प्रेम कथा का तुमसे बाटा टूटे ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। अपने दिल की बातें अपने दादा से कहूंगा, अपने दिल की बातें अपने बाबा से कहूंगा, अपने दिल की बातें अपने दादा से कहूंगा, अपने दिल की बातें अपने बाबा से कहूंगा। वो चरणों में प्रभु वर के मैं जीवन भर रह लूंगा, चरणों में प्रभु वर के मैं जीवन भर से मनोली वाले से मनपुरा
आइए इसी भक्ति की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माँ शब्द सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम के रोंगटे हमारे इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम इतने सेफ हो जाते हैं अपने आप में कि हम माँ की आंचल में आ गए, माँ के पास आ गए, माँ हमारे साथ है, माँ हम सब आपके साथ है, ऐसा महसूस कितना महसूस हम महफूज समझते हैं अपने आप को जब हम अपनी माँ को हमारे नजदीक हमारे पास समझते हैं। लेकिन वो माँ हमको कैसे पाल पोस कर कैसे बड़े किए, क्या दुख दिए और आज का दौर क्या आया है, ये छोटा सा कांड आपको माँ की कल्पना करके आप सबको बताएंगे। क्या कहा कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, कि मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो माँ की ममता को हम क्या बयान करें। आइए जिसने ये फरमाइश की थी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए सब लोग उस माँ की ममता को समझेंगे और उसके महत्व को समझेंगे कि कितने दुख सहन कर 9-9 महीने और आगे भी कितने दुख सहन करके वो हमको बड़ा करती है, उनके उपकारों को एहसानों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आइए सुनते हैं। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें एक राजस्थानी गीत सुनना है, जरूर हम आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे, पर उसके पहले हम कोचर परिवार एक छोटा सा माँ के ऊपर डेडिकेशन सॉन्ग लेके आए हैं। तो कहते हैं कि माँ का प्यार इतना पवित्र है जिसे सुनने के बाद मौत भी आगे से हट जाती है। माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, माँ खुद माँ की उपमा है। पर आज की रियलिटी कुछ ऐसी हो गई है, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उस कानन आचा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था, मैं उसका राजा बेटा था, आंख खतारा मैं बनूं बुढ़ापे में बस उसका एक सहारा कहती थी, बड़ा हुआ तो शादी की बातों में ऐसा झूल गया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया, फिर बेटे से मैं बाप बना ऐसे रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूं और माँ की ममता को ही भूल गया। सही सुना आपने, इस पैराग्राफ का हर वर्ड अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो जरूर अपनी माँ के पास जाइए और ये स्तवन उनको भी अपने साथ सुनाइए। तो कहते हैं कि इस जगत में भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा ने कह दिया, विष्णु ने कह दिया कि एक बार चाहो तो, लेकिन माँ मिलनी बहुत मुश्किल है,
भगवान मिल जाते हैं। एक बार ऐसे कल्पना कर लेते हैं, भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं, ओ तकदीर वाले हैं, जो मां की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं, जो मां की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं, जो मां की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं, जो मां की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। ओ मेरी मां, ओ मेरी मां, मेरी मां, ओ 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 प्यारी माँ। ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला। ब्रह्मा ने कह डाला विष्णु ने कह डाला। बाप के बारे में महावीर ने कह डाला। बाप के बारे में महावीर ने कह डाला। क्या कहा? कि ब्रह्मा ने कह डाला, विष्णु ने लिख डाला, माँ बाप की सेवा किया, और हम क्या उदाहरण ले जब खुद महावीर ने हमको सिखाया है, अपने गर्भ में रहकर महावीर स्वामी ने हमको सिखाया है कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। के इनकी सेवा से बढ़कर सेवा नहीं होती। इनकी सेवा से बढ़कर सेवा नहीं होती। तकदीर वाले हैं दीर वाले हैं, जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। ओ मैया, ओ प्यारी मैया, ओ लव यू लव यू, ओ लवली माँ, ओ मेरी माँ, I love you, love you, oh meri maa। कर पा रहे हैं इस गाने से और आपको आपकी माँ की याद आ रही है, तो जरूर अगर वो आपके पास हो तो जाइए और उनको कस के पकड़ लीजिए। माँ बाप के चरणों में जो झूम मचाते हैं। माँ बाप के चरणों को जो झूम मचाते हैं। घर बैठे चारों कावर वो पाते हैं। घर बैठे चारों कावर वो, क्या कहा? कि माँ जो रोज घर से निकलते वक्त या सुबह उठ के जो माँ बाप को प्रणाम करता है उनके लिए क्या कहा? माँ बाप के चरणों को जो चूम के जाते हैं। घर बैठे चारों धाम का फल वो पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा करने से क्या होता है? इनकी आशीष रब से ताली नहीं जाती। अगर दिल से माँ आशीर्वाद दे दे, माँ और पिताजी, तो ये आशीष भगवान भी नहीं टाल सकते हैं, इतनी बड़ी आशीष है। इनकी आशीष रब से
ताली भी नहीं जाती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। वो तकदीर वाले हैं जो माँ की तरह भगती, तकदीर वाले हैं जो माँ की तरह भगती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। मेरी माता प्यारी माता प्यारी प्यारी, ओ मेरी माता, ओ मेरी माता प्यारी माता, ओ मेरी माता, I love you। सच्चाई हुई है कि बेटे बदल जाते हैं पर माँ माँ की ममता वही रहती है, वो कभी नहीं बदलती है, चाहे वो उसे कितना भी बाहर निकाल दे, वृद्धाश्रम में भी भेज दे, पर उसकी माँ की ममता अंत समय तक, अंत सांस तक उसकी माँ की ममता वही रहती है। कि बेटे बदल जाते पर माँ नहीं बदले, बदल जाते पर माँ नहीं बदले, बेटे के दुख देखे माँ के आंसू निकले, बेटे के दुख देखे माँ के आंसू निकले, और वो एक नजर से देखे, वो एक नजर से देखे कोई भेद नहीं डरती, वो एक नजर से देखे कोई भेद नहीं रखती, किसी को लाडला और किसी को नहीं लाडना ऐसा कोई नहीं होता है, माँ के आंखों में सब समान होते हैं। दुनिया में पार्शियलिटी बहुत चलती है, पर सिर्फ एक माँ है जो अपने बच्चों में कभी पार्शियलिटी नहीं करती, उस माँ के लिए हम सब आई लव यू मम्मा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। एक बार कि इनकी आशीष रब से ताली नहीं जाती, इनकी आशीष रब से ताली नहीं जाती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, वो तकदीर वाले हैं जो माँ की तरह भगती, वो तकदीर वाले हैं जो माँ की तरह भगती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, माँ के लिए मैं चार शब्द कहना चाहती हूँ कि माँ जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर हमें प्यार किया था, सन्नाटा सा छा गया था बंटवारे के किस्से में, जब माँ ने पूछा मैं किसके हिस्से में, मरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, मरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, पर जन्म लेने के लिए केवल माँ, पूछता है जब कोई मुझसे दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, दुनिया में अगर कोई अगर मुझसे पूछे कि मोहब्बत बची है कहाँ, मुस्कुराकर कर देती हूँ कि याद आ जाती है माँ, याद आ जाती है माँ, सचमुच माँ से प्यार, माँ से ज्यादा प्यार हमें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं,
कर्जा तुम्हारा माल अब हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माल हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप की सेवा में जीवन को गुजारेंगे, माँ बाप की सेवा में जीवन को गुजारेंगे। गर्दन झुकी है मेरी आंखें बरसती है, गर्दन झुकी है मेरी आंखें बरसती है। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। अभी भक्ति को देख रहे हैं लाइव, अपने माता पिता के संग जरूर बैठे ही होंगे, अगर आजू बाजू भी हैं, माँ इधर उधर भी है तो माँ को जाके एक हग प्यारा सा गले से लगा के उनके एहसानों का शुक्रिया, माँ को आई लव यू जरूर बोलना। भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी भोली है, कितनी शीतल है, कितनी भोली है, प्यारी कोमल है, प्यारी प्यारी है, कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ ममता को हमारा प्रणाम। आइए भक्ति में आगे बढ़ते हुए अगले भजन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब माँ के बारे में हमने इतना बोला तो मुझे मेरी मम्मी की बात रखनी पड़ेगी और उनका फेवरेट गाना लेना पड़ेगा। क्या बात है मम्मा, दिस वन्स फॉर यू। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, मुझे कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए।
अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के, मुझे कुछ ना साथ साथ तुम रहो मेरे, और
कहो रात चाहिए सपनों में आते रहो वो रात चाहिए सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए सजी सबने देखी कि कयामत आपके दर पे सजी सबने देखी दरे मुकद्दर पर एक भीड़ सी लगी देखी कि दरे मुकद्दर पर एक भीड़ सी लगी देखी कोई नहीं गया खाली इस दरबार से जो भी आया है इस दरबार से कि कोई नहीं गया खाली इस दरबार से कि तुझे देते तो नहीं देखा मगर झोलियां सबकी भरती देखी तुझे देते तो नहीं देखा मगर झोलियां सबकी भरते देखी तो भर दो हमारी आज हमारी बारी है क्या दादा आज हमारी बारी है दिना हो तो दे दिए जन्म जन्म का साथ है कि जो दुनिया से ठुकराए जाते हैं उनको यहाँ पे स्थान मिलता है और जो दुनिया से हार के आते हैं उनको यहाँ पे स्थान मिलता है चाहे दुनिया में उनको इज्जत मिले कि नहीं मिले लेकिन मंदिर में उस दादा के चरणों में उनको इज्जत जरूर मिलता है तो आइए एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सबके मुंह में आने वाला सबको रिझाने वाला और जैसे सबको अच्छा लगे ऐसा सॉन्ग हमने अगले लेने वाले हैं आइए सभी लोग इसमें जरूर जुड़ेंगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये फेमस है तो आप सबका साथ हम जरूर चाहेंगे हमारी पिछली भक्ति में हमने ये सॉन्ग मिस किया था काफी कमेंट्स में आए थे लेकिन कुछ कारणवश हम कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिए थे और उसको देख ना पाए थे इसीलिए उस समय मिच्छामि धुकर मांगा था और वादा किया था कि इस भक्ति में ये स्तवन जरूर लेंगे पाशना दादा का बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुंदर भावों से भरा यह स्तवन हम आपके सामने ले रहे हैं बोलो शंकर पाशनाथ भगवान की जय हो श्री शंखेश्वरी पशु प्रभु जी ओ मेरे प्राण आधार जीवन की से नैया सिर्फ तुम ही हो तारणहार ओ साहिबा तुम ही हो तारणहार ये शिवरंजन जी ने राग पर बहुत ही प्रचलित और सुंदर स्तवन है सभी साथ में रहिएगा श्री शंखेश्वरी पाश प्रभु जी श्री शंखेश्वरी पाश प्रभु जी ओ मेरे प्राणी आधार श्री शंखेश्वरी पाश प्रभु जी ओ मेरे प्राणी आधार जीवन की सैया में तेरे जीवन की सैया में मेरे तुम ही हो तारणहार ओ साहिबा तुम ही हो तारणहार ओ साहिबा 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 साहिबा
हरि पास प्रभु जी ओ मेरे प्राणी आधार हरि पास प्रभु जी ओ मेरे प्राणी आधार बताए बा
सबको ये भजन पसंद आया होगा। ये ऐसे कहूं तो पापा का बहुत ही दिल को छूने वाला भजन है, पापा का फेवरेट सॉन्ग है और आज उन्होंने लिया है। बहुत दिन के बाद मैंने भी इसको उनकी आवाज में सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो कहता हूं कि आंसू पहुंचकर इस प्रभु ने हंसाया मुझको, कि आंसू पहुंचकर इस गुरु ने हंसाया मुझको, मेरी हर गलती पर, मेरी हर गलती पर मुझको सीने से लगाया इसने, मेरी हर गलती पर सीने से लगाया इसने। अरे क्यों ना फिदा हूं, क्यों ना फिदा हूं ऐसे दादा पर, अरे क्यों ना फिदा हो हम ऐसे दादा पर, मुझे हर हाल में जीना सिखाया है इसने, मुझे हर हाल में जीना सिखाया है इसने, हर हाल में जीना हमको सिखाया है। हमारे जैन धर्म ने हमको क्या क्या नहीं सिखाया है, शायद ही कोई धर्म में ऐसा हमको सिखाया होगा। तो ऐसे दादा पर हम क्यों ना फिदा हो। तो आइए एक बहुत ही प्यारा भजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहता हूं कि उस मांडोली वाले के मुस्कान में खो जाऊं, कि उस मालपुरा वाले के मुस्कान में खो जाऊं, कि जी करता है दादा तेरी गोदी में सो जाऊं, जी करता है दादा तेरी गोदी में सो जाऊं। ऐसा लगता है कि आप कब मेरे को भुलाएं और मैं आपके द्वार पर आके आपके गोदी में सो जाऊं, उस वैसा सुकून कब नहीं मिलेगा हमको वैसा। तो आइए सब लोगों के साथ, सब लोगों को साथ देना है इस गाने में। खुला हुआ है खुला रहेगा, खुला हुआ है खुला रहेगा, क्या ओ मेरे दादा का द्वार, मेरे दादा का द्वार, शंखेश्वर वाले का द्वार, ओ मेरे आन वाले का द्वार, मालपुरा वाले का द्वार। तो देर न करो न करो इंतजार, हाँ देर न करो न करो इंतजार, दादा के चरणों से कर लो तुम प्यार, देर न करो न करो इंतजार, दादा के चरणों से कर लो तुम प्यार। नाचने का मन होता हो तो मन से नाच कर कहना है क्या, कि नहीं बाबा सा कोई दानी, 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 हारे का साथ निभाए, नहीं इंसान अमर रहेगी, युगो युगो तक अमर रहेगी इनकी अमर कहानी, युगो युगो तक अमर रहेगी इनकी अमर कहानी। खुला हुआ है खुला रहेगा, खुला हुआ है खुला रहेगा, ओ मेरे दादा
कर लो तो प्यार, फिर न करो न करो इंतजार, दादा के दरियों से कर लो तो प्यार, फिर न करो न करो इंतजार, दादा के दरियों से कर लो तो प्यार, फिर न करो न करो इंतजार, दादा के दरियों से कर लो तो प्यार। कोई तुझको लाख सताए, कोई लाख मरे मन माने, कोई तुमको लाख सताए और लाख करे मन मानी, तू छोड़ दे सब दाता पर फिर देख समय की रवानी, तू छोड़ चले दादा पर जब हम दादा पे छोड़ जाएंगे तो क्या होगा? मंजिल खुद चल कर आएगी, मंजिल खुद चल कर आएगी, जिस दिन इसने ठाने, मंजिल खुद चल कर आएगी, जिस दिन इसने ठाने, वो है क्या संगीता जी नाबेड़ा हैदराबाद से ना? हाँ हाँ, उन्होंने ये फरमाइश की, हमने पिछले भक्ति में भी ली थी, उन्होंने कहा कि नहीं जरूर ये भजन तो आपको लेना ही है और सबको झुमाना ही है, ये गाना उनको इतना अच्छा लगा तो आप सब लोग को भी अच्छा लगा होगा, तो सब लोग क्या कहना है कि इनका मुझे बन जाने दो, इनका मुझे शायद
शायद ये बहुत ही अटपटा लगेगा भगवान को कैसे हम आई लव यू कहते, ये आज के संस्कार नहीं है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में टर्न अप किया है कि एक बार आप दादा को आई लव यू करके देखो। संसार में तो बहुत ही हमने न जाने किनको किनको किया है, ये तीन लोग के नाथ को अगर एक बार आप आई लव यू करके देखिए, दिल में जितनी खुशी मिलेगी, दिल में कितनी आपके अरमान रहेंगे सब पूरी होगी, और आपको इतना आनंद महसूस होगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस दिल से अपने भावों से, न लाज देखो न शर्म देखो, दादा के दरबार में कुछ ना देखो, बस एक बार दिल से दादा के सामने आई लव यू करके देखो, क्या बात है, आपकी तकदीर खुल जाएगी, आपका पार हो जाएगा। इनकी शरण में जाने दो, इनकी शरण में जाने दो, दादा की कृपा जिस पे हो जाए, क्या करेगा वो, कि मौज मनाए, मौज मनाए, मौज मनाए, मौज मनाए, मौज की कृपा जिस पे हो जाए, दादा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज मनाए, मौज मनाए, किस्मत खुल जाए, दादा का नाम ले ले, तो नाम ले ले, दादा का नाम ले ले, हाँ कमेंट आ रहा है अभी, क्या बात है, ले ले तो यू मुझे कह ले तो, सुबह और शाम ले ले, दिन में और रात ले ले, सुबह और शाम ले ले, दिन में और रात ले ले, दादा की कृपा जिस पे हो जाए, दादा की कृपा जिस पे हो जाए, मौज मनाए, मौज मनाए, किस्मत खुल जाए, 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 दादा की कृपा जिससे हो जाए, दादा की कृपा जिससे हो जाए, मौज मनाए, मौज मनाए, किस्मत खुल जाए, किस्मत खुल जाए, आसन लगाए, जय है दादा आसन लगाए, बैठे है दादा आसन लगाए, जय है दादा आसन लगाए, ओ आने वाले भक्तों को नजर जमाए, आने वाले भक्तों को नजर जमाए, ओ क्या कहा कि बैठे है दादा आसन, कि बैठे है दादा आसन लगाए, आने वाले भक्तों पे नजरे जमाए, आने वाले भक्तों पे नजरे जमाए, ओ कि आकर पहले शीश झुकाना, पीछे वजन सुनाना भूल न जाना, आकर पहले शीश झुकाना, पीछे भजन सुनाना भूल न जाना, दादा के घर आने वालों का नाम लिखाना भूल न जाना, दादा के घर आने वालों अपने
का नाम लिखाना उलझ जाना कि ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। जो ये मस्ती सजा है ना, एक बात ठान लो दिल में कि जो आज जो मस्ती लूट रहे हो ना, पूरे साल भर याद रखोगे इस मस्ती को। अगर सच्ची में अगर आप दादा की मस्ती में झूम रहे हो के तेरे भजनों को गाना सकूं, ऐसे वाणी का क्या फायदा तेरे भजनों को गाना सकूं, मेरी वाणी का क्या फायदा तालियां जो बजाना सकूं, ऐसे सबको नचा देते हम लोग कि ऐसी काया का क्या फायदा, हाँ क्या फायदा तेरे रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, ओ किसकी रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, चाहे ताली इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, ओ इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, मुझको डरने की क्या बात है, समय हो चुका है एक बार पार्श्वनाथ भगवान का बोलो संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बोल शांति गुरुदेव की जय हो, बोल मालपुरा वाले दादा की जय हो, बोल राजेंद्र सूरी महाराज की जय हो। काफी देर से फरमाइश आ रही थी कि हमें एक मारवाड़ी भजन सुनना है, तो लीजिए आपके सामने एक मारवाड़ी गाना हम प्रस्तुत करते हैं। दीनानाथ मेरी बात छाने कौनी थारे से, दीनानाथ मेरी बात छाने कौनी थारे से, आखड़ी चुरा कर दादा जाति कठी मारी से, आखड़ी चुरा कर दादा जाति कठे मारे से, दीनानाथ मेरी बात दीनानाथ मेरी बात छाने कौनी थारे से, आखड़ी चुरा कर जाता
शॉर्ट है क्या कहा कि सुख दुख जीवन के दो पार्ट है माना दुख लंबे और सुख शॉर्ट है लेकिन हंस कर मुसीबत जिसने झेली है हंस कर मुसीबत जिसने झेली है नजरों में वो ही स्मार्ट है कि प्रभु की नजरों में वो ही स्मार्ट है कि सुख दुख जीवन के दो पार्ट है माना दुख लंबे और सुख शॉर्ट है ओ सुख दुख जीवन के दो पार्ट है माना दुख लंबे और सुख शॉर्ट है आइए एक बार पारसनाथ दादा की हाजिरी लगाते हुए चलते हैं पारसनाथ दादा के दरबार में सबके मन में पारसनाथ है जरूर क्योंकि शंखेश्वर दादा का चमत्कार ही ऐसा है उनका नाम घर में इतना ज्यादा तेज है सबसे ज्यादा पूजनीय है और सबसे ज्यादा संख्या में पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं तो सबके दिल में मन में रोम रोम में बसते ऐसे हमारे पार्श्वनाथ दादा को एक बार जरूर याद करेंगे और उनकी धुन लगाते हुए क्या कहेंगे रोम रोम में समाया पार्श्वनाथ रे सांसों में समाया परसनाथ रे मेरे सांसों में समाया परसनाथ रे ओम शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो ओ मेरे मन में परसनाथ ओ मेरे मन में परसनाथ ओ मेरे दिल में परसनाथ ओ मेरे दिल में परसनाथ करो में समाया पारस नाम
कि ऐसे ही बीत जाए हमारी भक्ति करते, न दिन देखूं न रात देखूं। अगर यही भावना आपकी है तो एक बार जोर से जयकारा वहां से लगाइएगा। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, और शंकेश्वर वाले दादा की जय हो। अरे हरि सास में हो सुमिरन तेरा, यूपी से जाए जीवन तेरा। हरि सास में हो सुमिरन तेरा, यूपी से जाए जीवन तेरा। ओ तेरी सेवा करके जिसे दाज जमेरा, ओ तेरी सेवा करके जिसे दाज जमेरा। हरि सास सदा, हरि सास सदा, हरि सास कि राहु केतु का सिक्का नहीं चलता यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे चलता है तो सिर्फ एक पार्श्वनाथ दादा का सिक्का चलता है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ दादा का सिक्का चलता है, प्रभु
प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। क्या कहा? कि एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। बोल पार्श्वनाथ दादा की जय हो। आज केसरिया, हाँ आज केसरिया थीम रखा है हमने, तो केसरिया के ऊपर भी भजन हो जाए। अहिंसा क्रांति समाचार वालों ने जो पोस्टर बनाया एकदम केसरिया रंग, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा और दिल को लुभाने वाला कलर है। और आज गुरुदेव का भी यही कलर है, पीला कलर केसरिया कलर ही होता है, तो सोचा कि क्यों ना हम भी ये थीम अपनाएं और केसरिया कलर के ही हम भी यूनिफॉर्म अपनाएं इसी, तो आज केसरिया के ऊपर एक गाना हो जाए। कि आंखों का इंतजार है, कि आंखों को इंतजार है सरकार आपका, कि आंखों को इंतजार है सरकार आपका, न जाने कब मिलेगा दीदार आपका, न जाने कब मिलेगा दीदार आपका। आइए सहारा के दीदार को हम तरसते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, केसरिया I'm gonna see.
मांडोली मेहरोली जैसा धाम ये भक्तों का पागल खाना ही समझिए।
बस यहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं, कब वो दिन आएगा कब लॉकडाउन के पूरे ये स्वस्थता से खुलेंगे और हम कब मांडोली जाए, कब भैरोली जाए, मालपुरा धाम जाए, बस इसकी तमन्ना हर भक्त कर रहा है, बस इंतजार है उस घड़ी का। तो इसको हम बोलते हैं धाम, एक पागलखाना, भक्तों का पागलखाना है। यस कि चले भी आओ गुरु हम तुमसे प्यार करते हैं, कि चले भी आओ गुरु हम तुमसे प्यार करते हैं, कि तेरी भक्ति करे ना करे हा, कि तेरी भक्ति करे ना करे, तेरे भजनों से प्यार करते हैं, तेरे भजनों से प्यार करते हैं, तेरे भजनों से प्यार करते हैं, प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो मेरे पिया बोलो, प्रीतम बोलो मेरे पिया बोलो, प्रीतम बोल सतगुरु देव की जय हो, बोल मालपुरा वाले दादा की जय हो, बोल शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा भजन, लाखों भगत है तेरे दादा, एक और बढ़ा ले। बस जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं यही तमन्ना के साथ अभी तक देख रहे हैं कि हमको भी दादा अपना एक भगत बना ले, एक सच्चा भगत मैं हूं और मुझको भी दादा तू एक बढ़ा, तेरे लाखों भगत है तो हमको भी एक आस रहती है कि दादा एक नजर, कृपा की नजर हम पे कर दे। लाखों भगत है तेरी दादा, ऐसे ही एक दीवाना, एक दीवाना नहीं अनेक दीवाने हैं जो आज भी बाहर से, परदेश से, इंडिया से नहीं आउट ऑफ इंडिया से आने के लिए तरस रहे हैं। हमारे नितेश भाई जो मांडोली के एक परम गुरु भगत कहे जाते हैं, जो अभी लॉकडाउन के चलते वहां फंस गए हैं और बस आना चाहते हैं, कब ये आना जाना
एरोप्लेन का चालू हो और जल्दी से जल्दी मांडोली आओ। और ऐसे ही हमारे पदम जी भी मेहरोली के लिए तरस रहे, अशोक जी वो भी मेहरोली जाना है, उनको भी मालपुरा के दर्शन करने हैं, तो बस इंतजार कर रहे हैं। कहा कि जब भी मैं अपने बुरे हालातों से घबराता हूँ, जब भी मैं अपने बुरे हालातों से घबराता हूँ, मेरे ये दादा की आवाज आती है, तू रुक मैं आता हूँ। ये दादा की आवाज जरूर आती है, तो एक बार दादा से क्या कहना है? हमारे विनोद जी मुनोद भी बहुत ही उत्सुकता से महेंद्र भाई वेट कर रहे हैं, दीपक भाई ये सभी इंतजार कर रहे हैं कब ये आना जाना चालू हो और हम मांडोली सबसे पहले पहुंचे। कि एक दीवाना यार दुमिरोले उसको दर्शन दे देना, एक दीवाना यार दुमिरोले उसको दर्शन दे देना, जिसको मेरे दादा बुलाते किस्मत वाले होते हैं, जिसको मेरे दादा बुलाते किस्मत वाले होते हैं, चुप कर वो रोते हैं, जितनी परीक्षा ली है मेरी, जितनी परीक्षा ली है हमारी, और किसी की मत लेना, एक दीवाना यार में रोए उसको दर्शन दे देना, एक दीवाना उसको दर्शन दे देना, जाने वाले एक संदेशा, ओ, 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 जाने वाले एक संदेशा, मेरे गुरु से कह देना, एक दीवाना यार तुम्हें होए उसको दर्शन दे देना, एक दीवाना यार तुम्हें होए उसको दर्शन दे देना। हम हरे 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 सबके के लिए भी पूनम पूनम जाने वाले कितने ही दर्शालु हैं, कितने ही भक्त हैं जो संकेश्वर दादा के दर्शन से नहीं आ रहे, जा नहीं पा रहे हैं, उनकी दिल में कि क्या हालत होगी, क्या भावना होगी, कैसे वो आंसू बहाते होंगे, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पार्श्वनाथ दादा के दर्शन उनको नहीं हो पा रहे हैं। बस भावों से, अपने मन के भावों से वो इधर ही अपने घर पर ही बैठ के पार्श्वनाथ दादा को याद करते हैं और जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन सब खुले और हम पहली फ्लाइट से संकेश्वर दादा के पास जाएं। हम हरे 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 ओ, हम हारों के सहारे ओ, प्रभु भाई मेरे हरे 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 ओ, हम हारों के सहारे ओ, दादा जैसा Yeah.
होता है अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे नाजो में दिल बैठे हम हारे 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 ओ, 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 तुम हारो के चलिए आखिरी भजन के और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगले भजन को जिसको आप सब लोग चाहते हो, शायद बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन प्रभु से प्रेम मांगने के लिए हम क्या कहते हैं कि प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना कि प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है दादा अगर तुमसे आस नहीं करेंगे तो हम किससे आस करेंगे इस संसार वालों से आस करेंगे क्या नहीं कि एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा है प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है हर चांद सितारा है क्या कहना है प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना प्रभु प्रेम बनाए रखना हृदय से लगाए रखना चरण शरण में हमको निभाना चरण शरण में हमको निभाना सर्वस्व अपना तुमको ही माना तुमको ही माना ओ चरण शरण में हमको निभाना ओ सर्वस्व अपना तुमको ही माना तुमको अपना ही माना शक्ति का दाता तू भक्ति का दाता तू शक्ति का दाता तू भक्ति का दाता तू ओ शक्ति का दाता तू भक्ति का दाता तू शक्ति का दाता तू भक्ति का दाता तू ये भक्ति ना जाने मेरा भाग्य विधाता तू भाग्य विधाता तो प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखो प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना
परम कल्याणक है, तो हम दो लाइन विमलनाथ भगवान के हाँ गुणगान गुणगान गाएंगे। कहते हैं कि सिद्धा चले ना वासी, विमला चले ना वासी, जिन जी प्यारा एहसान इतने हैं भगवान के गुरुवर के हम पर, ये चुकाया नहीं जा सकता, तेरे एहसानों का बदला चुकाया नहीं जाता, ये फरमाइश आई है। बड़े दिल से ये भजन गाते हैं, बहुत प्यारा सा भजन है, तो सुनिएगा। तेरे एहसान का बदला तेरे एहसानों का बदला।
अंतिम भजन और उसके बाद में हम बधाई ले लेंगे। तो जिसको भी झूमना हो, जिसको भी नाचना हो, जिनको भी मन को ये करना हो तो रेडी हो जाइए। तेरा दर तो हकीकत में, हमारे साथ सुरेश भाई चौहान जो ढोलक साथ दे रहे हैं, उनकी मैं पूरी पूरी बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा और अनुमोदन करूंगा। कि देखिए, एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा लाइव भक्ति में, ऐसे तो हम हर भक्ति में बोलते ही हैं, क्योंकि ये जब तक ये ढोलक वाले कैशियो वाले जो भी है हमारे हमारे गुरु इतने सच्चे साज वाले भगत भी हैं, और ऐसे प्रोफेशनल कलाकार, देखिए डॉक्टर क्या चाहता है कि कोई बीमार पड़े तो उसके पास आए, कोई वकील चाहता है कि किसी के घर में झगड़ा डंटा टोना हो तो वो मेरे कोर्ट कचहरी पे आए, लेकिन एक व्यापारी भी क्या सोचता है कि किसी के घर में कुछ कमी हो तो वो सोना लेना है, कपड़ा लेना है, जेवरात लेना है। लेकिन ये हमारे ऐसे भगत हैं, मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और दिल से कहता हूँ हर कलाकार को, ढोलक बजाने वाले, कैशियो बजाने वाले, तबला बजाने वाले और जो भी मास्टर पैड मास्टर है, सभी को मैं तहे दिल से, जहां पे भी है इंडिया में और बैंगलोर में तो बहुत नंबर में है, संख्या में है, इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे प्रोफेशनल है, ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ अच्छा हो, तुम्हारे घर में प्रभु भक्ति हो, मंदिर में साज बजे और आप अपने कर्म बंधन तोड़ते हुए पुण्य कमाए। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करूंगा और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। ये एक ऐसे प्रोफेशनल है, कभी भी आपको कहीं पर मिले भी इनकी प्रशंसा जरूर करना, क्योंकि ये ही हमारे दादा के निकट तक पहुंचाने का एक जरिए है और ये हमारे साथ रहकर ही हमको सहयोग मिलता है, गाने का सपोर्ट मिलता है। हाँ, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसे हमारे बीच में बैठे हैं सुरेश भाई चौहान। तो क्या कहना है दादा से, कि तेरा दर तो दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का ठिकाना है, ओ तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का ठिकाना है, तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का ठिकाना है, दरबार तेरा बनाते हैं, अब लाज रखो
शरीयत में खुशियों का सहारा प्रशंसा की है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी एक गाना ले लें। प्रभु भक्ति में वो भी झुमाते हैं, बैंगलोर के नामी कलाकार हैं वो भी, तो मैं चाहूंगा कि वो भी एक भजन गाना के आपके समक्ष ले रहे हैं। इधर पशुनाथ पशुनाथ सब बोलो पशुनाथ श्री कृष्णनाथ की Ah
को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे तहे दिल से मुकेश जी नाहर
श्रद्धा जी नाहर को, उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया और दादा की भक्ति करने के लिए हमको लायक समझे। हम कोचर परिवार की तरफ से, मैं दिनेश कोचर, विकास कोचर, प्रेक्षा कोचर, आप सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे और अगर कोई गलती भी हुई हो हमारे से, आपके आपने जैसा कहा, अगर उसके उपरांत में हमने कुछ कह दिया हो, ऐसा कुछ लगा हो आपको, तो हम तहे दिल से क्षमा दुखड़ा मांगते और सभी भक्तों से भी, अगर बोलने में कोई शब्द अशब्द निकल गया हो या हमारे भाव कम नजर आए हो, तो हम तहे दिल से उन सभी भक्तों से क्षमा दुखड़ा मांगेंगे और आप लोगों को धन्यवाद भी देंगे कि आप लोग हमको इतनी देर तक सुने और अच्छा लगा होगा ये कमेंट के द्वारा आपने सब बताया समझा और हमको इस लायक समझा। हम सभी भक्तों को हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका सबका शुक्रिया अदा करेंगे। अब ये भक्ति को विराम देने के लिए आगे बढ़ेंगे और बधाई लेकर ये भक्ति को विराम देंगे। हे मायरा नाथ ने बधाई छे, मायरा नाथ ने बधाई छे, बाजी छे मैंने बाजे छे,
भारती पेट समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी नाहर, सदा जी नाहर को बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे और विक्षानुगुदम चाहेंगे अगर कोई त्रुटि को गलती रह गई हो कोचर परिवार से, हम सभी लोग मिलकर आपसे विक्षानुगुदम चाहेंगे और सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी हम विक्षानुगुदम चाहेंगे और जल्दी से जल्दी दादा का बुलावा आएगा तो हम अगली भक्ति जैसा भी लेंगे आपको समाचार करेंगे और विराम लेते हैं आज के इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रजा आपू हवे दादा हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी। जाने को मन नहीं है लेकिन समय अनुमति नहीं देता है, इतने भरे पड़े हैं दिल में कि दादा के सामने बस बैठे रहे, गाते रहे, गाते रहे, इच्छाएं पूरी नहीं होती है लेकिन क्या करें, समय की मर्यादा है वो भी देखना पड़ता है। रजा आपो हवे दादा हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, मुलाकात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी। जवानों बन पीता तू, जवानों बन पीता सो, हमारी आज मजबूरी, हमारी बात थई पूरी, हमारी बात थई पूरी, मुलाकात थई पूरी। बसंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय 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 जय।